हरे कृष्णा। ये स्थान वो है जहाँ पहले रामलीला मैदान था। हम जब बहुत छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ रामलीला देखने आया करते थे। दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता था, रावण का वध करने की लीला होती थी, और उसके 10 दिन पहले से राम जन्म का जो है राम लीला दिखाई जाती थी। इस प्रकार से ताल का वध की लीला दिखाई जाती थी और राम वनवास की लीला दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर पहले एक चबूतरा था, काफ़ी लंबा और चौड़ा एक चबूतरा था, और यहीं पर ही खुले में रामलीला दिखाई जाती थी, और इधर जनता होती थी, इधर जनता होती थी। हमारे पिताजी को विशेष स्थान प्राप्त होता था इस कोने में, जिसमें कि रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती थी। तो कुछ लोग मिलकर के रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे, तो बड़े ऊंचे स्वर में रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे। फिर हमारे पिताजी खड़े होकर के, जिस समय माइक भी नहीं था, बिना माइक के बोलते थे, तो इतने ऊंचे स्वर में बोलते थे कि हमारे पिताजी की आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती थी। तो कभी कभी माइक काम करता था, कभी माइक काम नहीं करता था, कि हमारे पिताजी की आवाज़ बहुत काम करती थी। और हमारे पिताजी इस प्रकार से रामलीला के साथ में रामायण की चौपाइयाँ पढ़ करके, और इस प्रकार से बोलते थे कि श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जात भये, इस प्रकार से वो हमारे पिताजी बोलते थे। तो जब हमारे पिताजी बोलते थे भये, तो बच्चे लोग काफ़ी नकल करते थे और हंसी में उनकी आवाज़ में नकल करते थे भये। तो इस प्रकार से लोगों को जो है बड़ा अच्छा लगता था। तो हमारे पिताजी बहुत सम्मानित थे, और हमारे पिताजी के कारण यहाँ हम लोगों को भी बैठने की वो जगह बड़ी सुविधापूर्वक मिलती थी। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बाद में फिर ये स्थान बन गया जहाँ की रामलीला दिखाई जाने लगी। लेकिन हमें उस समय की याद है जब बचपन में ये स्थान नहीं बना था, यहाँ पर बड़ा चबूतरा था, रामलीला दिखाई जाती थी, और यहाँ पर जो रामलीला के पात्र होते थे वो अपना श्रृंगार करके और आते थे। तो जो बानर लोग होते थे तो वो जो है लाल वस्त्र धारण करते थे और पूंछ उनकी होती थी, और जो राक्षस लोग होते थे काले वस्त्र धारण करते थे, उनके हाथ में भी कुछ आयुध होते थे। तो जितने बानर होते थे उनकी लाल रंग की पूंछ होती थी, लाल कपड़े पहनते थे। तो इस प्रकार से राक्षसों का और बानरों का जो है युद्ध भी दिखाया जाता था, और ताल का वध की लीला दिखाई जाती थी, सीता हरण की लीला दिखाई जाती थी, राम वनवास की लीला दिखाई जाती थी। तो हम लोग रात में बहुत देर तक अभ्यास ना होने के कारण सो जाते थे। तो राम की लीला में हम कभी सोते थे, कभी जागते थे, लेकिन हमारे पिताजी जो है पूरी रामलीला जब तक समाप्त ना हो तब तक यहाँ रहते थे। और सबसे ज़्यादा सम्मानित हमारे पिताजी थे, क्योंकि वो जो है राम की लीला का वो वर्णन अपने ऊंची आवाज़ में करते थे, और लोगों को पता चलता था कि अब कौन सी घटना हो रही है। तो ये वो स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है रामलीला का। हरे कृष्णा।